नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में। हम बात करेंगे कि आखिर कब तक एग्जाम होगा, क्योंकि रेलवे ने काफी ज्यादा बच्चों को उलझा के रखा हुआ है। पिछले 2.5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, अब लगभग 3 साल होने को जा रहा है। अभी तक रेलवे ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। अभी तक आप आरआरबी की किसी भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, लास्ट आपको यही देखने को मिलता है रिवाइंड नोटिस ऑन एनटीपीसी। मतलब एनटीपीसी का तो काम ठीक है कि आप सही से काम चला रहे हैं, बट रेलवे ग्रुप डी का तो कम से कम ये होना चाहिए कि आखिर एग्जाम कब तक होगा। अभी तक एग्जाम का कोई भी अपडेट आया नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट आया 31/8/2021 को, बट हो सकता है कि आज कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फी रिमाइंड का जो लास्ट डेट था, जो फी रिफंड का जो अपडेट करना था आप लोग को एनटीपीसी के लिए, वो अपडेट हो चुका है। तो आज जो हो सकता है कि एनटीपीसी के रिगार्डिंग कोई अपडेट देखने को मिले, बट रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग मुझे कम चांस लगता है कि अभी कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आखिर क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप लोग देखेंगे तो एसएससी का कल ही देखेंगे, 7 तारीख के डेट में एसएससी के जितने भी एग्जाम डेट है उसको डिक्लेयर किया गया, मतलब नोटिस आ चुका है। तो यहाँ पे नोटिस आप देखेंगे अगर एसएससी के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं आप कि जब एसएससी का एग्जाम हो सकता है कोविड की सिचुएशन में, अभी कोविड का उतना भी नहीं है, आप प्रिकॉशन के साथ एग्जाम करवा सकते हैं, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ देख सकते हैं एसएससी का एग्जाम कौन करवाता है, टीसीएस करवाता है। तो टीसीएस जब एग्जाम करवाता है तो अक्टूबर में आप लोग को पता है कि एमटीएस का एग्जाम है और एसएससी के कुछ और भी एग्जाम है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्किल टेस्ट भी हो गया, उसके बाद ये देखिएगा एसआई का भी एग्जाम है 8/11/2021 को। फिर उसके बाद ये तो छोटे एग्जाम हो गए। स्टेनोग्राफर का देखिएगा 4 दिन का एग्जाम है, 11 से 15 तक स्टेनोग्राफर का एग्जाम चलेगा। फिर कांस्टेबल जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है 16 से लेके 15 तारीख तक है, मतलब 1 महीना तक है, मतलब 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक 1 महीना तक जीडी कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो सोच सकते हैं कितने दिन तक है, 1 महीने तक एग्जाम है इनका। तो 1 महीना का जब ये एसएससी वाले एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं करवा सकते? और कोविड का सिचुएशन भी है तो प्रिकॉशन के साथ एग्जाम करवाया जा सकता है। ठीक है, तो अब सिर्फ बहाना है इसका, मतलब अगर टीसीएस एग्जाम करवाता है कम चांस है टीसीएस का, नहीं करवाएगा टीसीएस। बट मान लीजिए कि 1% भी टीसीएस एग्जाम करवाता है ग्रुप डी का, तो दिसंबर से तो पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये भी एग्जाम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। मुझे भी लगता है कि दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है, 15 दिसंबर के बाद ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। उससे पहले मुझे जहां तक लगता है, मैं ये मेरा सोचना है, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, ये मैंने मेरा सोचना है कि 15 दिसंबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, जो कि रेलवे नहीं चाहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है ये दोनों एग्जाम एक साथ हो जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं है, बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिल सकता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 दिसंबर के बाद आपका कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, क्योंकि लंबा एग्जाम होगा। उससे पहले रेलवे क्या करेगा कि जो एनटीपीसी का जो स्टेज 2 का एग्जाम है उसको कंप्लीट करा के उसका जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा, ताकि क्या होगा, रेलवे के ऊपर से बोझ जो होगा, लोड जो होगा, बर्डन जो होगा वो कम हो सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे चाहता है कि दिसंबर में ही एग्जाम करवाया जाए और नोटिस आपको अक्टूबर में निकाला जाए, सितंबर ये निकालने का कोशिश करेंगे एनटीपीसी के रिगार्डिंग। एनटीपीसी का जो रिजल्ट होगा, नोटिस होगा, उसमें वो टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, और जो रेलवे ग्रुप डी का होगा वो अक्टूबर में बताएंगे कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा या कभी भी होगा, जब भी होगा वो बताएंगे। दिसंबर से पहले होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है जैसा रेलवे का सिचुएशन अभी। हो सकता है कि जनवरी में भी चले जाए, जनवरी 2022 में, पर दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। 15 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं पॉसिबल चांसेस बनता है कि 15 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से अगर कोई नोटिस आता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, रेलवे के बारे में जो भी अपडेट होगा मैं कोशिश करूंगा देने का आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।